गाइस, वो टोनी स्टार्क की हिम्मत और सेक्रीफाइस ही था जिसकी वजह से एवेंजर्स थेनोस से जीत पाए। जब एवेंजर्स एंडगेम में टोनी स्टार्क ने इन्फिनिटी स्टोन्स को यूज करके थेनोस और उसकी आर्मी को डस्ट बना दिया और जिसकी वजह से टोनी स्टार्क बच नहीं पाया। लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसका मूवी में कोई सेंस नहीं बनता था। जब टोनी स्टार्क सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को थेनोस से छीनकर अपने सूट में लगा लेता है, तब उन स्टोन्स से बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलती है, जिसको कंट्रोल कर पाना एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए इम्पॉसिबल काम था, क्योंकि हमने देखा था कि उन 6 स्टोन्स को वील्ड करने में थेनोस और हल्क जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स को भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। लेकिन टोनी स्टार्क ने उन 6 स्टोन्स को लगा के बड़े आराम से स्नैप कर दिया। तो ऐसा उसने कैसे किया और इसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। तो टोनी स्टार्क ऐसा कैसे कर पाया, इसके पीछे दो रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन ये है कि उन 6 स्टोन्स को पहनकर टोनी स्टार्क का जो गोल था वो उतना बड़ा नहीं था, यानी कि टोनी स्टार्क का टारगेट पूरा यूनिवर्स नहीं था, बल्कि टोनी स्टार्क के स्नैप का मकसद सिर्फ थेनोस और उसकी आर्मी को खत्म करना था, जबकि थेनोस और हल्क का मकसद एक बड़े स्केल पे था। थेनोस को आधे यूनिवर्स को खत्म करना था और हल्क को आधे यूनिवर्स को वापस लाना था, और इसीलिए थेनोस और हल्क को इन्फिनिटी स्टोन्स की ज्यादा एनर्जी का यूज करना पड़ा, जबकि टोनी स्टार्क सिर्फ थेनोस और उसकी आर्मी को डस्ट बनाना चाहता था। तो इसीलिए टोनी स्टार्क को ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा और उसने आराम से स्नैप कर दिया। इसके अलावा गाइस, दूसरा रीजन ये हो सकता है कि टोनी स्टार्क का नैनोटेक आर्मर इस तरह डिजाइन किया गया था जो इन्फिनिटी स्टोन्स के लेवल तक की एनर्जी को झेल सकता है, क्योंकि एंड गेम के फाइनल बैटल के एक सीन में हमने देखा था कि टोनी के नए आर्मर में थॉर की फुल पावर की बिजली को यूज करके उससे अटैक करने की काबिलियत थी, और इसीलिए जब टोनी स्टार्क के हाथ में 6 इन्फिनिटी स्टोन्स थे तो उन स्टोन्स से निकलने वाली एनर्जी को उसके सूट ने पूरे आर्मर में एब्जॉर्ब कर लिया था, जिससे टोनी स्टार्क की बॉडी पे उसका ज्यादा असर नहीं हुआ। और हम जानते हैं कि टोनी स्टार्क अपनी पिछली गलतियों से सीखता है, तो जाहिर है उसने टाइटन वाले बैटल के बाद अपने सूट को इन्फिनिटी स्टोन्स के अटैक के लिए भी अपग्रेड किया होगा। और गाइस, इसके अलावा अब आप लोग सोचेंगे कि अगर टोनी स्टार्क का आर्मर इन्फिनिटी स्टोन्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता था तो उसके स्नैप करने से वो मर क्यों गया। तो गाइस, टोनी स्टार्क की डेथ स्नैप करने से निकले हुए रेडिएशन की वजह से हुई थी, जिस रेडिएशन से इन्फिनिटी वॉर में थेनोस का हाथ भी जल गया था। तो गाइस, आपके हिसाब से कौन सा रीजन आपको सही लगा, और अगर इसके अलावा और कोई रीजन आपको पता हो तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever try.